हे वेलकम गाइस, तो कैसे हो। तो गाइस आज के इस वीडियो में कुछ इस तरह का एडिटिंग करने वाले हैं और इस एडिटिंग को मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में बोल बोल के समझाने वाला हूं। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, वीडियो पसंद आता है तो लाइक करके शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर करना अगर आप पहली बार आए हो। तो अपना फ़ोटो कुछ इस तरह का क्लिक करवाना है और उसके बाद अपना फ़ोटो पिक्सआर्ट में ओपन कर लेना है और बैकग्राउंड इरेज करना है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ पिक्सआर्ट में किस तरह से मैं कर रहा हूँ। ये टूल है कटआउट और इसका आपको यूज़ करना है बैकग्राउंड इरेजिंग के लिए। तो परफेक्टली आपको बैकग्राउंड इरेज कर लेना है। तो इसमें परफेक्टली बैकग्राउंड इरेज करने के लिए आपको क्या करना होगा गाइस, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपको अब अच्छे से सेलेक्ट कर रहे हो अपने फ़ोटो में और यहाँ पर आउटलाइंस नहीं आने चाहिए। जो काले कलर के आउटलाइंस आ जाते हैं उसमें फ़ोटो का क्वालिटी लो हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैं कैसे आउटलाइंस को भी रिमूव कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा बच गया है बैकग्राउंड उसको हम इरेज कर देंगे। और गाइस आखिरी में यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स बच जाएगा तो उसको आप इरेज कर दीजिए और सेव कर लीजिए अपने फ़ोटो को पीएनजी फाइल में। जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर में सेव का ऑप्शन है। तो गाइस नेक्स्ट स्टेप में आ जाते हैं। अब हम अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में अपना बैकग्राउंड ओपन करेंगे। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं गाइस। गाइस इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा, हम अपने पीएनजी जो आपने सेव किया था उसको हम ऐड कर लेंगे, जो आपको स्टिकर टूल में मिल जाएगा पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के। तो इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए बैकग्राउंड में। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस मैं यहाँ पे एडजस्ट कर ले रहा हूँ और इसके बाद हमें इरेज करना है कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स। तो इसके बाद हम अपने फ़ोटो का ओपेसिटी लो कर देंगे और यहाँ पर गाइस देख सकते हैं काफ़ी आसान तरीके से ये इरेज हो रहा है। तो दोस्तों ये डन हो जाने के बाद अब हम करेंगे आउटलाइंस को इरेज। जैसे कि आप जान रहे हो पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में कोई भी फ़ोटो आप एडिट करते हो और अगर बैकग्राउंड क्वालिटी थोड़ा लो होता है तो फ़ोटो में आउटलाइंस आ जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं काले कलर के यहाँ पे आउटलाइंस आ चुके हैं। तो इसको कर लेते हैं हम इरेज। तो इसको इरेज करने के लिए इरेजर टूल को मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। तो चलिए और गाइस यहाँ पे इरेजर टूल को सेट करने के बाद यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं काले कलर के आउटलाइन यहाँ पे आ चुके हैं जिसको मैं यहाँ पे इरेज कर ले रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पे आप भी अपने फ़ोटो में अगर आपके आउटलाइंस आ जाएँ तो इस तरह से इरेज कर लीजिएगा, जिससे कि आपका फ़ोटो क्वालिटी लो नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे ये भी हो चुका है डन। इसके बाद हमें जाना है अपने पिक्सआर्ट के इफेक्ट टूल में। इसमें हमें अपने फ़ोटो में देना है बैकग्राउंड, मतलब ब्लैक एंड वाइट इफेक्ट, जिससे कि हमारा फ़ोटो बैकग्राउंड से मेल खा जाए। तो दोस्तों ब्लैक एंड वाइट इफेक्ट को हमें यहाँ पे ओपेसिटी लो कर देना है और अपने पूरे बॉडी में लगा लेना है, जिससे कि हमारा जो बैकग्राउंड कलर है उससे हमारा बॉडी भी मेल खाए और लगे कि ये फ़ोटो सही तरीके से एडिट हुआ है। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं मैं पूरे बॉडी में इसको सेट कर ले रहा हूँ, तो आप भी इसी तरह से अपने बॉडी में सेट कर लीजिए। इससे लगेगा बॉडी और बैकग्राउंड फ़ोटो क्लिक किया गया है, प्रोफेशनल टाइप एडिटिंग लगेगा। और गाइस बहुत लोग क्या करते हैं ऐसे ही फ़ोटो को सेट कर देते हैं, चाहे वो डार्क रहे या वाइट रहे और बैकग्राउंड वैसे का वैसा ही रहता है, तो थोड़ा बेकार लगता है। जैसे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे कुछ और भी इफेक्ट्स को यहाँ पे देख रहा हूँ कि इसमें अच्छा दिख रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे ठीक नहीं लगा तो मैं यहाँ पे इसको एग्जिट कर दिया गाइस। तो यहाँ पे हमारा डन हो चुका है ब्लैक एंड वाइट इफेक्ट और अब हम अपने हेयर पीएनजी को इसमें ऐड कर लेंगे, जो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा इस, तो आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको हम कर देते हैं थोड़ा उल्टा और यहाँ पे लगा देते हैं अपने हेयर में सेट कर देते हैं। तो इसका एक्स्ट्रा पार्ट है उसको भी हम इरेज कर लेंगे। तो यहाँ पे आप अपने बॉडी के हिसाब से इसको सेट कर लीजिए। तो यहाँ पे हो गया है हमारा डन, इसको भी हम कर लेते हैं डन। तो भाई हेयर पीएनजी फोटो में जान ले आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने जैसे ही फ़ोटो में हेयर पीएनजी लगाया इसमें जान आ गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं फ़ोटो का साइज़ बढ़ा ले रहा हूँ थोड़ा सा, जिससे हम फ़ोटो को सेव करेंगे तो इसका क्वालिटी लो नहीं होगा। तो आप भी जाइए इस सेकेंड वाले ऑप्शन में जिसमें लिखा है टूल्स, उसमें जाके आप रीसाइज कर लीजिए और इसका थोड़ा क्वालिटी बढ़ा दीजिए। तो आप जाएंगे हम ड्रॉ टूल में, इसमें हमें अपने फ़ोटो में देना है विंटेज इफेक्ट। अब विग्नेट बोलते हैं विंटेज बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन साइड में जो काले कलर का रहता है वही देंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे काले कलर का एक गोला बना दे रहा हूँ, सर्कल।
तो इसको हम गोला बना लेंगे और ट्रांसफॉर्म करके इसको बड़ा कर लेंगे। जैसे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे गोला बनाया, इसको बड़ा कर ले रहा हूँ यहाँ पे, और किस तरह से दूंगा देख लीजिए आप भी, इस तरह से आप भी डन कर लीजिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस, देखिएगा अभी मैं जैसे ही राइट पे क्लिक करूँगा यहाँ पे देखिए, और इसका ऑपेसिटी थोड़ा लो कर दीजिए, और यहाँ पे हमें कोई भी लाइट रूम या स्नैपसीड का मदद नहीं लेना पड़ा विंटेज इफेक्ट डालने के लिए, ठीक है। और अब हम डालेंगे शैडो इफेक्ट अपने हाथों के नीचे में, जिससे लगे कि ये थोड़ा रियल है, मैनिपुलेशन रियल टाइप एडिटिंग करेंगे। तो ठीक है गाइस, आपको समझ में आ रहा है ना, लाइक कर दीजिएगा यार और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे हमारा शैडो कुछ ठीक से नहीं बन पा रहा था, तो मैं यहाँ पे अंडो कर रहा था, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं फिर से यहाँ पे दे दिया और यहाँ पे डन हो गया, हो जा भाई डन। ये ब्रश टूल का यूज करना है यहाँ पे शैडो डालने के लिए। तो यहाँ पे हो चुका है डन, और इसको कर लेते हैं सेव। अब लास्ट में थोड़ा लाइटिंग दे देंगे, फोटो हाईलाइट हो जाए और थोड़ा ऑसम दिखे। तो गाइस देखो फोटो हो गया है रेडी। तो क्या बोलते हो, किस टाइप का बना है? अच्छा बना होगा तो लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो मेरे को, और अगर घटिया बना हो तो डिसलाइक जरूर कर सकते हो। और यार वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।